डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए की खोज किसने की और कब की, और डीएनए क्या है और डीएनए से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना ही चाहिए, इस वीडियो में आपको यह सारे बातें बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि यह बहुत ही नॉलेजेबल बातें हैं और आपको जानना ही चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। डीएनए की खोज जीव विज्ञान की क्षेत्र में बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खोज साबित हुई, क्योंकि यह मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों में गुणों को निश्चित करता है और पृथ्वी में मौजूद हर जीवित कोशिका में डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए क्या होता है यह मैं आपको बताता हूँ। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, यानी कि डीएनए कहते हैं। इसमें अनुवांशिक कूट निबद्ध रहता है। डीएनए एक अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ियों जैसी होती है। डीएनए का एक अणु चार अलग अलग वस्तुओं से बना होता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु है। इन चार न्यूक्लियोटाइड्स को एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन कहा जाता है। डीएनए की खोज महान बायोलॉजिस्ट अमेरिका के जेम्स वाटसन और इंग्लिश फिजिस्ट फ्रांसिस क्रिक को जाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने मिलकर डीएनए संरचना को परिभाषित किया था, जिसे 1953 में खोज किया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, वो भी 1962 में। डीएनए से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जो एक दूसरे के समांतर होते हुए भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नंबर सेकेंड, श्रृंखलाएं सीढ़ियानुमा होती हैं, जिसमें एक श्रृंखला का तीसरा सिरा और दूसरी श्रृंखला का पांचवा सिरा के सामने होता है। नंबर थर्ड, इसकी रीढ़ फॉस्फेट शुगर की बनी होती है। दोनों श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारक परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। नंबर थर्ड, दो क्षार युग्मों के मध्य की दूरी 3.4 a होती है। नंबर फोर्थ, एक कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। नंबर फाइव, डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई 34 a होती है तथा चौड़ाई 20 a होती है। नंबर सिक्स, डीएनए की संपूर्ण लंबाई पर एक संकरी तथा एक चौड़ी खांच पाई जाती है। नंबर सेवन, डीएनए अणु का व्यास 20 a होती है। नंबर एट, दोनों श्रृंखलाओं में शुगर के बीच की दूरी 11.a होती है तथा दोनों चैन फॉस्फेट के बीच की दूरी 20 a होती है। नंबर 10, दो नाइट्रोजन बेस की दूरी उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई 2.8 से 3.0 a होती है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो मुझे बताइएगा, आपके लिए इस तरह का वीडियो फिर से ला दूंगा।